कि मेरा नाम डॉक्टर सनिया बशीर है, मैं शुगर की माहिर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। बात यही हो रही है कि ज़्यादतीस पाकिस्तान में हम इस वक्त, अगर मैं आपको करंट स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, तो हमारे पास जो इस वक्त जो IDF का डाटा है वो यही है कि हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त हर चार में से एक बंदा शुगर की बीमारी का शिकार है। अगर आप अपने अराउंड सराउंड नजरें दौड़ा लें तो हर फैमिली में हर चार में से एक बंदा आपको शुगर का मरीज नजर आता है। और सबसे ज्यादा जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि 90% ऑफ द केसेस ऐसे डायबिटीज के हैं जो कि Type 2 डायबिटीज है। और आज मैं इसी मौजू पे बात करूँ। डायबिटीज टेलीकेयर की बुनियाद जब मैंने रखी थी 2020 में, तो मेरा मोटो सिर्फ ये नहीं था कि मैं एक क्लिनिक ऑपरेट करके मरीजों का इलाज करूंगी। मरीजों का इलाज तो हर जगह होता है, आपके हर किसी दूसरे बंदे से पूछे आपको शुगर की दवा नाम लिख के दे देगा। किसी फार्मेसी की दुकान पे जाए, शुगर हो गई है ये मुझे दवा बता दे, बहुत अच्छी जो चल रही हो बता दे, इलीगल है, नॉन एथिकल है, लेकिन होता है। किसी भी आप MBBS डॉक्टर जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, लोकल GPs हैं, मुझे शुगर हो गई है दवा लिख दें, दवा मिल जाए। तो शुगर का इलाज करने से कहीं ज्यादा, इलाज एक बहुत है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उन तमाम लोगों को जो इस वक्त शुगर की बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं या वो बॉर्डर लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उन लोगों को बचाना है। और ये आज आप सब लोग, ताकि मैं जान सकूं कि इस वक्त 19,000 फॉलोअर्स जो डायबिटीज टेलीकेयर को सुनते हैं, जो डायबिटीज टेलीकेयर को सुनना पसंद करते हैं, वो तमाम लोग मेरा साथ दें कि हमें प्रिवेंशन पे बात करनी है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन को शुगर की बीमारी से बचाना है। आज का मेजर कंसर्न है मेरा प्रिवेंशन के हवाले से। तो तमाम वो लोग जो कि हाई रिस्क पे हैं, वो तमाम लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं, वो तमाम लोग जो कि फैमिली हिस्ट्री के साथ हैं, वो तमाम लोग जिनकी उम्र इस वक्त 35+ है, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना HbA1c एक दफा जरूर करवाइए। अगर आपकी रेंज 5.7 से कम आती है तो आप हर 3 साल बाद अपनी शुगर को, अपने HbA1c को रिपीट करें, अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो। कौन कौन? फैमिली हिस्ट्री, 35 ईयर्स मोर एज है आपकी, आपका वेट ज्यादा है, अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कोई भी सिम्टम्स मौजूद है, लाइक आपको ब्लड प्रेशर का कोई मसला है या मोटापे का मसला है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, या फिर वो तमाम फीमेल पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री में जेस्टेशनल डायबिटीज रहा है, वो तमाम लोग जो फीमेल पेशेंट जिनकी हिस्ट्री में PCOS रहा है, वो तमाम लोग जो किसी बीमारी की वजह से स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म तक करते हैं, वो तमाम लोग जो कि डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काउंसलिंग से ज्यादा एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स की दवाइयां देना ज्यादा बेहतर समझा जाता है, जो कि मेरी प्रैक्टिस में शामिल नहीं है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाउ मच यू इनेबल द पेशेंट टू स्पीक अप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने मरीज को अलाउ कीजिए कि वो आपके सामने खुल के वो तमाम बातें करे जो कि वो शायद किसी से नहीं कर सकता। स्पीक अप काउंसलिंग इज द बेस्ट थेरेपी। आई मस्ट टेल यू कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस आपको डायबिटीज की तरफ लाने में तमाम रुकावटों को हटा देती है। और आप, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट अब रिपीटेडली आने लगे हैं कि पता नहीं अचानक HbA1c कराया, शुगर बढ़ी हुई थी, क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री में निकलती है कि मैं 2 साल से डिप्रेशन का मरीज हूँ, जॉब चली गई, या कोई भी मसले हैं, हमें डॉक्टर ने यह दवा दे दी है और अब इस दवा का नतीजा शुगर के बढ़ने की सूरत में नजर आता है। तो तमाम वो लोग आइए, आज सब मिलके मेरा साथ दीजिए कि अपने इर्द गिर्द किसी भी ऐसे इस तरह के मरीज को देखेंगे, उनको काउंसिल करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि आपके अंदर शुगर होने का खतरा किस कदर मौजूद है। तो शुगर होने से अगर आपने बचा लिया तो शायद इस नेक काम में आप लोगों ने भी एक कदम हमारे साथ मिलके बढ़ा लिया। एक सवाल मुझसे व्हाट्सएप पे आया था कि प्री डायबिटीज अगर हो जाती है तो कितना फ्रिक्वेंटली उसे जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए कि पता चल जाए कि वो डायबिटीज की तरफ जा तो नहीं रहा। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि अगर आपको प्री डायबिटीज डायग्नोस होती है तो आप
अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि प्री डायबिटीज खतरे की वो घंटी है जो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है अगर किसी को हो जाए तो। यानी कि अब आप कहेंगे ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग कैसे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो 26.9% पाकिस्तानी पीपल आर अनडायग्नोस्ड, रीजन लैक ऑफ स्क्रीनिंग। तो अगर आप स्क्रीनिंग करवा चुके हैं और प्री डायबिटीज निकल आया है तो यू आर मोर फॉर्चुनेट देन दोज पीपल हु आर डायग्नोस्ड एज डायबिटिक विच इज अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल लेवल पे डायग्नोसिस से कहीं ज्यादा बेहतर है कि प्री डायबिटीज लेवल पे डायग्नोस किया जाए। तो अगर आप प्री डायबिटीज पे डायग्नोस हो जाते हैं तो जुड़ जाइए अपने डॉक्टर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जो इतनी बिगाड़ के शुगर आते हैं, लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड हमारे पास ऐसे प्री डायबिटिक पेशेंट हैं जो कि 5.4, 5.6, 5.8 पे आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब प्री डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, कोई रिस्क फैमिली हिस्ट्री भी है, प्लीज हमें गाइड कर दें कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो यस, ये है एजुकेशन का फायदा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज जो है वो आगे तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके पाकिस्तान से प्री डायबिटीज का खात्मा करेंगे। सवाल पे मैं वापस आ जाऊं तो प्री डायबिटिक पेशेंट को हर साल HbA1c रिपीट करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो कितना फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क पे हैं और आपने HbA1c कराई है, वो 5.7 से नीचे है, 5.7 से नीचे है, तो आप हर 3 साल के बाद करवाएंगे। और अगर वो 5.7 से 6.5 के बीच में है तो हर साल करवाएंगे, ठीक है जी। और अपने एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स को जरूर देखेंगे। हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले वो तमाम शुगर के मरीज अपनी डाइट जो एडवाइस की जाती है उसको फॉलो करें, एक्सरसाइज अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें और अपने डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करें, दूसरे मुफ्त मशवरों पे अमल ना करें जो कि हमें खानदान वालों की तरफ से, हमें दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, आस पड़ोस वाले कुलीग से मिलते हैं कि तुम्हें शुगर हो गई है, मेरे फलाना कजन को भी शुगर हो गई थी और उसने उस हकीम के पास जाके दवा ली, तो तुम भी वही दवा ले लो, तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। खुदारा इन तमाम चीजों से बचे। कि हमारा ऑफिशियल फोरम जिसका लिंक आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन कीजिए ताकि वहां पर एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी वो तमाम छोटी छोटी बातें जो डायबिटीज के हवाले से जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सवाल आगे आते रहे प्लीज कमेंट करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। और तमाम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन जो लेना चाहते हैं मुझसे, उनके लिए व्हाट्सएप का लिंक हमारे पेज पर मौजूद है और मेरे ख्याल में कमेंट्स में भी आ रहा है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जो लोग मुझसे फेस टू फेस कंसल्ट करना चाहते हैं वो कराची में मलीर कैंट के अंदर, मैं तकरीबन हर फ्राइडे वहां मौजूद होती हूँ, प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए और वहां आके हमसे कंसल्ट कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।